तो कैसी कट रही है? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम आए रेलवे स्टेशन बीसलपुर और आज हम अपने स्टेशन का रिव्यू करने वाले हैं। हमारे शहर का स्टेशन है जहां तक कि उम्मीद है कि पहले से काफी ज्यादा बेटर है, दिख ही रहा है और उम्मीद तो है ही कि बेटर होगा। तो सबसे पहले ले चलते हैं फ्रंट से अंदर की ओर। तो यहाँ पे ये रहा मेन गेट। अभी यहाँ पे बैरिकेटिंग नहीं हुई, मतलब यहाँ पे बैरियर लग जाते हैं ताकि कोई भी वाहन अंदर ना आ सके, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले जो पुराना स्टेशन था वहां ये सब देखने को मिलता था उस गेट पर, वहां ये सब देखने को मिलता था उस गेट पर, कोई भी वाहन अंदर नहीं आता था और वाहन अंदर आ भी जाता था तो उसके लिए कह सकते ये लोग पनिश करते थे और मना भी करते थे कि आपको अंदर वाहन नहीं लाना है। बाकी अभी तक कोई बैरिकेटिंग नहीं की गई क्योंकि दो ही ट्रेनें चल रही हैं, अभी भीड़ ज्यादा होती नहीं है। पहले लगभग 3-4 ट्रेनें चलती थी पूरे दिन में, इसलिए भीड़ भी होती थी, लेकिन अभी तक ना तो कोई, दो ट्रेनें ही हैं, एक सुबह और एक शाम को, तो इसलिए अभी तक यहाँ पे बैरिकेटिंग नहीं की गई और शायद कोई वाहन लाता भी नहीं होगा। चलिए आइए बैक कैमरे से देखते हैं। तो वो रहा गेट और इधर तीन भाषाओं में लिखा हुआ बीसलपुर बीसलपुर। तो इधर से ये इसका पूरा प्रांगण है जहाँ यात्री लगभग आकर रुके भी रहते हैं और पूछताछ के लिए भी यहीं सब व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। आपस में बैठकर लोग बातें भी करते हैं, काफी अच्छी छांव है यहाँ पर। और सीधे फिर अंदर जाते हैं। जो लोग विकलांग हैं और सही से सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते उनके लिए रेलिंग टाइप की बनाई गई और एक बहुत रेलिंग टाइप की बनाई गई है। और हम लोग जाएंगे इधर से। तमाम पोस्टर्स लगाए गए हैं और ये नई किराया सूची है। हैरी पॉटर बना दिया भाई ने सामने। गेट से अंदर आते ही हमको यहाँ पे एलईडी पैनल्स देखने को मिलते हैं जो यहाँ पर आने जाने वाली ट्रेनों की टाइमिंग बताते हैं आपको और प्लेटफॉर्म नंबर भी बताते हैं साइड में। तो यहाँ पे बैठने की अच्छी व्यवस्था है, पंखे भी लगे हुए हैं, अच्छी हवा भी है। मैंने तो घर से जाते ही सोचा था, जब मैं घर से यहाँ आया तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि वहाँ पे जाकर गर्मी लगे, लेकिन ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं फील हो रहा है क्योंकि जब तक हम टीन साइड में है, कह सकते हैं रेलवे स्टेशन पर है, रेलवे स्टेशन तो पूरा ही लेकिन टीन साइड है वो सिर्फ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये इतने एरिया में यहाँ से वहां तक। बाकी छोटे छोटे टीन साइड्स बनाए गए हैं पूरे रेलवे स्टेशन पर। और ये रहा हमारा 15 अगस्त है 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की व्यवस्था भी बना दी गई है। और पहले जो यहाँ पर गाड़ियां चलती थी वो चलती थी छोटी पटरी पर, लेकिन भाई साहब अब तो इंजन बिजली वाली लाइन से भी चलेगा, क्या बात है। तो भाई ये रहा हमारा रेलवे स्टेशन, लेकिन पहले यहाँ ओवर ब्रिज नहीं था लेकिन अब ओवर ब्रिज है। इधर से जो लोग विकलांग हैं या सीढ़ियाँ चढ़ने में असमर्थ हैं वो चढ़ सकते हैं और साथ ही इसके जस्ट अपोजिट साइड उस तरफ उधर से सीढ़ियों वाला भी जीना जो कि छोटा है, आराम से कम टाइम में ऊपर जा सकते हैं। और ये गोरहा और उधर साइड भी रेलिंग टाइप का है। आइए चलते हैं ओवर। बहुत ज्यादा ऊंचाई है इसकी, थक गए भाई। तो ये रहा रेलिंग, हम इससे चढ़ के आए थे, यहां से वहां तक देख लिए दूरी कितनी है और आप आसानी से इधर से नीचे उतर सकते हैं कम दूरी में। लेकिन हमारे बीसलपुर के लौंडों के लिए ना
ये पुल एक टाइम सेल्फी पॉइंट बन गया था। इतनी सेल्फी तमाम फोटो मेरे भी एक दो हैं। चार पांच साल इंतजार किया बीसलपुर के लोगों ने, तब जाके यहाँ से ट्रेन चली है। तो यहाँ ये भी फोटो शॉट हो रहा है, चार पांच भाई हैं मिलकर फोटो शॉट कर रहे हैं। इतना बड़ा हमारा बीसलपुर का प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा तो पीलीभीत में भी नहीं है, बहुत ज्यादा ही लंबाई है इसकी। और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा बड़ा और होता तो हमारे बरेली मंडल का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म यही बन गया होता लंबाई के क्षेत्र में। लेकिन यहाँ जो कोयला उतर रहा है, आप इस साइड देख रहे हैं, इससे हमारे यहाँ के क्षेत्रवासियों को बहुत ज्यादा समस्या है। और कोयला आता जाता था पिछले एक साल से, गाड़ी चलने थी, कभी नहीं चली, यही सब चलता रहा है कि चलेगी नहीं चलेगी। लेकिन ये जो कोयला गाड़ी आ रही ना कहीं तक इसका बहुत बड़ा हाथ है बीसलपुर की ट्रेन चलने में, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, साथ ही साथ एक दिन तो पूरे शहर को ही शट डाउन कर दिया और कहा कि जब तक ट्रेन नहीं चलेगी तब तक हम कोई शॉप नहीं खोलेंगे और कोई गतिविधि पर कोई भी ध्यान नहीं देंगे। लेकिन ये जो गाड़ी आ रही है इससे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि ये जो कोयला उड़ता है ना, जो पास पड़ोस के जितने भी घर हैं इन सब घरों में ये कोयला जाकर बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। तो जब ये गाड़ी आ जा सकती है तो फिर जो हमारी यात्री गाड़ी है वो क्यों नहीं आ जा सकती है, तो इसी को लेकर काफी ज्यादा बहस हुई और हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों ने काफी ज्यादा धरना प्रदर्शन किया, रेलवे विभाग के लिए कई पत्र भी लिखे गए, तब जाकर हमारे यहाँ गाड़ियों का संचालन हुआ। एक गाड़ी सुबह है जो शाहजहांपुर से पीलीभीत आती है और बीच में ही हमारा बीसलपुर पड़ जाता है। बीसलपुर कह सकते हो केंद्र बिंदु है पीलीभीत और शाहजहांपुर का। तो अभी मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी, पर जाते हैं, सामने टंकी है। तो जैसा कि यहाँ से अभी कोई गाड़ी आने जाने वाली है नहीं, तो मैं पटरियों को क्रॉस करके उस तरफ जाऊंगा और सामने जो टंकी है वहां जाके पानी पीऊंगा। अपन ना रेलवे के लाइन के साथ आ गए भाई इस तरफ, आज चढ़ते हैं। तो ये रही टंकी, अपनों यहाँ पर पानी पीना। लेकिन काफी ज्यादा थक गए भाई धूप में। अरे भाई यार पानी आ तो रहा है, किसी ने मुझसे कहा था बीसलपुर रेलवे स्टेशन पर पानी नहीं आता, भाई क्यों बदनामी करते हो हमारे शहर की। हमको पानी नहीं पीना था, हमको तो बस देखना था कि पानी आता है या नहीं आता है। लेकिन भाई यहाँ पे ना पानी आता है, तो बदनामी नहीं करने का कि यहाँ पानी नहीं आता। तो कुछ इस तरह का ये हमारा बीसलपुर प्लेटफॉर्म, आप देख रहे बहुत ज्यादा लंबाई तक है। यह प्लेटफॉर्म नंबर एक और उस तरफ है प्लेटफॉर्म नंबर टू। इधर से ये सीढ़ियां गई हैं ऊपर के लिए। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आप देखेंगे हमारे रेलवे स्टेशन से दो तीन सिनेमेटिक शॉट। बाय।